हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा रेमेडी लाई हूँ। तो इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए खीरे का जूस, बेसन और एक छोटा सा नींबू। तो ये पैक कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो आइए हम पैक को बनाना शुरू करते हैं। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक प्लेट में सब कुछ ले लिया है। ये बेसन है और यहाँ पे मैंने खीरे को ग्रेट करके जूस निकाल लिया है और बहुत ही छोटा सा मैंने नींबू का एक पार्ट लिया है, टुकड़ा लिया है। हमें नींबू को बहुत ही कम यूज़ करना है। तो मैंने अभी यहाँ पे खीरे के जूस को एक बॉल में लिया था, उसको लेके अब मैं इसमें बेसन को डालने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून के करीब बेसन लिया है। आप चाहे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन फेस के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैंने बस इतना ही लिया है। अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब देख सकते हैं, हमने बेसन और खीरे के जूस को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। नींबू का रस मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, इसमें एक टीस्पून के करीब या उससे भी कम होगा। तो नींबू का रस हमें इतना सा ही चाहिए। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस सनटैन को रिमूव करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसमें बेसन है, बेसन तो आप सब जानती है बहुत ही अच्छा काम करता है सनटैन को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे जितने सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है, वो सारी चीज़ें सनटैन को रिमूव करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। खीरे का जूस, बेसन और नींबू, ये सारी चीज़ें आपके चेहरे पर अगर कोई पिगमेंटेशन है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो हमारा पैक रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा पैक बन चुका है। अब आप इसको अपने क्लीन फेस पे यूज़ कीजिए और इसको अपने फेस पे लगाने के बाद 10 मिनट तक अपने फेस पे रहने दें। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए और इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देखेंगे आप गाइस। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें वो सारी चीज़ें जो कि पिगमेंटेशन को हटाएगा या फिर सनटैन को रिमूव करेगा। मेरे वीडियोस पे कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।